भैया रुको, मेरे लिए रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है। पिंकी इधर आके देखो तो जरा, हमारा नया घर बड़ा मजेदार है। आप दोनों इस तरह से यहाँ वहाँ मत दौड़िए, ये पुराना घर है और मरम्मत की जरूरत है, आप दोनों को चोट लग सकती है। पिंकी चलो बाहर चल के खेलते हैं। दोनों बच्चे घर के बाहर खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनको घर के पास बना एक पुराना सा ट्री हाउस नजर आता है। दोनों की जिज्ञासा बढ़ जाती है, वो उस ट्री हाउस की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। भैया ये हम कहाँ आ गए, यहाँ तो चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ है। यकीन नहीं होता, ट्री हाउस के अंदर एक अलग ही दुनिया है, ये चमत्कार है। भैया वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। कुछ दूर आगे जाके देखते हैं, तुम डरो मत, यहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ है, ठंड भी लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ, खांडा वन में इंसान? लगता है भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है, हमारे महाराजा आ गए और साथ में छोटी राजकुमारी भी आई है, अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अरे धीरे बोलो, आज पहले दिन ही उनको डराना है क्या, चलो उनके पीछे चलते हैं। भैया भैया क्या है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुमको जरूर भ्रम हुआ होगा। आ आ आ क्षमा करे राजकुमारी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, लेकिन आप दोनों को देख के मुझसे रहा नहीं गया। तुम चुप कर जाओ, देखो तुम महाराजा को डरा रही हो। राजकुमारी जी आप इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, यहाँ ठंड भी बहुत है और यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, चुड़ैल रानी के पहरेदार कभी भी यहाँ आ सकते हैं। हम दोनों तो खेलते खेलते यहाँ आ गए, हम कोई राजकुमार नहीं। राजकुमार आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। राजू और पिंकी खरगोश के साथ चल देते हैं, खरगोश उनको अपने एक गुप्त घर में ले जाते हैं। अब बताइए ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार आप यहाँ यूं ही नहीं आ गए, आप यहाँ हमको चुड़ैल से मुक्त कराने आए हैं। खांडा वन के इतिहास में एक भविष्यवाणी मशहूर है, जब चुड़ैल का आतंक हद से बढ़ जाएगा तब खांडा वन में दो इंसान आएंगे और उस चुड़ैल का अंत कर देंगे। कैसी चुड़ैल और वो इस वन में क्या कर रही है? ये वन पहले बहुत हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन एक दिन एक चुड़ैल का साया इस पर पड़ जाता है, उसकी शक्ति से पूरा वन बर्फ में जम गया, सारे लोग मारे गए, जो भी चुड़ैल के खिलाफ आवाज उठाता है वो उसको जमा के पुतला बना देती है। अब तो बस आप दोनों का ही सहारा है। धीरे बोलो, चुड़ैल के पहरेदार आ गए, मैं इनको कैसे भी करके रोकता हूँ। तुम राजकुमार और राजकुमारी को लेके तुरंत नदी के उस पार सिम्बा के शिविर में ले जाओ, आप दोनों वहाँ सुरक्षित रहेंगे, वहाँ हमारी एक सेना है। लेकिन आप अकेले पहरादारों का सामना कैसे करेंगे? राजकुमार आप यहाँ से जाइए, आपको सुरक्षित रहना इस समय ज्यादा जरूरी है। दुष्ट कुत्तो यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। चुड़ैल के कुत्ते खरगोश के पीछे भागते हैं और इतने में खरगोश राजू और पिंकी को लेके वहाँ से निकल जाती है। इस खरगोश को पकड़ के यहाँ क्यों लाए हो तुम सब? महारानी यह खरगोश आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, इसके घर में हमने दो इंसानों को भी देखा था लेकिन वो छुप के वहाँ से भाग गए। दो इंसान, आखिरकार इनके मसीहा आ ही गए। कोई बात नहीं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाके उनको पकड़ो, किसी भी हाल में वो नदी पार नहीं करने चाहिए, जाओ। राजकुमार जल्दी करिए, किसी भी वक्त पहरेदार यहाँ तक आ जाएंगे और अभी हमें बहुत दूर जाना है। नदी के उस पार क्या है, हम वहाँ किससे मिलने जा रहे हैं?
वहाँ हम सबके राजा सिम्बा शेर का ठिकाना है, वहाँ हमारी सेना भी है। सेना है तो आप लोग खुद ही चुड़ैल से क्यों नहीं लड़ लेते? राजकुमार, भविष्यवाणी के अनुसार चुड़ैल का अंत आप ही कर सकते हैं। खांडव वन के नियमों के अनुसार चुड़ैल नदी के उस पार नहीं जा सकती, इसलिए हमने अपना बसेरा वहीं बना लिया है। देखो वो रहे दोनों, जल्दी चलो वरना वो नदी पार कर लेंगे। भैया जल्दी भागो यहाँ से, वो इधर ही आ रहे हैं। ये कितनी सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। राजकुमारी जी, पहले पूरा वन इसी तरह था, हरा भरा, लेकिन अब बस जरा सा ही रह गया है। आप दोनों को यहाँ बहुत मजा आएगा। देखो राजकुमार आ गए। क्या कहा, क्या सच में राजकुमार आ गए? आप दोनों कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर आप दोनों को सरदार सिम्बा से भी मिलना है। सरदार की जय हो। राजकुमार और राजकुमारी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अपने शिविर में आराम कर रहे हैं। उन्हें आराम करने दो, दोनों बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। अब इस वन की मुक्ति उनके हाथ में है। दोनों एक बार आराम कर लें, तब उन्हें यहाँ ले आना। तब तक मैं भी अपने उत्तर तैयार कर लेता हूँ। उन दोनों के पास अनेक प्रश्न होंगे। महारानी, हम उनको नहीं रोक पाए, दोनों अब तक सिम्बा के पास पहुंच गए होंगे। निकम्मो, तुम सब से एक काम ढंग से नहीं हो सकता। वहां वो सब हमको मारने की योजना बना रहे होंगे और तुम सब खाली हाथ यहाँ आ गए। जाओ और किसी भी तरह उन इंसानों को जिंदा यहाँ लेके आओ, वरना तुम सबकी खैर नहीं। राजकुमार, आप लोग अगर आराम कर चुके हो तो सरदार सिम्बा आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। आप दोनों मेरे साथ आइए। आओ बच्चों, तुम्हारा खांडव वन में स्वागत है। सरदार, यहाँ तो आपकी बड़ी सेना है, तो आप लोग उस चुड़ैल को क्यों नहीं मार देते? राजकुमार, कुछ काम नियति पहले से ही निर्धारित कर देती है और ये काम आपके हाथों से ही मुमकिन है। यहाँ के हर जानवर, हर जीव ने आप दोनों से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है। अब जाके लगता है कि हमारी इतने वर्षों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप दोनों आ गए हैं तो हम ये जंग जरूर जीत लेंगे। चलिए राजकुमार, अपनी सेना का मनोबल बढ़ा दीजिए, आपको देखकर सबका उत्साह बढ़ जाएगा। खांडा वन वासियों, हमारे राजकुमार आ गए हैं। अब आप सबके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। जल्द ही हम पूरे वन में फिर से खुशियां लौटा लाएंगे। कितनी सुहानी सुबह है, यहाँ के नजारों से तो नजर ही नहीं हट रही। कौन हो तुम लोग, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? महारानी, हम सब एक इंसान को ले आए हैं, आप बताइए अब इसका क्या करना है? आइए राजकुमारी, मेरे दरबार में आपका स्वागत है। आपको क्या लगा था, आप लोग मेरा अंत कर दोगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। सिम्बा तक खबर पहुंचा दो, राजकुमारी हमारे पास है, और उसको नदी पार हमसे मिलने बुलाओ। सरदार, आज सुबह राजकुमारी को चुड़ैल के लोग उठा ले गए, अब वो चुड़ैल के कब्जे में है, आपको नदी किनारे मिलने बुलाया है। मुझे वहाँ जाना ही होगा, तुम लोग ध्यान रखना, राजकुमार को इस बारे में कोई जानकारी ना होने पाए। आओ सिम्बा, आज बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। क्या चाहती हो तुम, राजकुमारी को आजाद कर दो, बदले में क्या चाहती हो बताओ। सीधे मुद्दे पे आ गए सिम्बा, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। राजकुमारी चाहिए तो तुमको मेरे पास आना होगा। ठीक है, तुम राजकुमारी को आजाद करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। महारानी, आपने राजकुमारी को क्यों छोड़ दिया? इस शेर के बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आज रात इसकी बलि चढ़ा दूंगी।
फिर हमें कोई खतरा नहीं है। अरे सिम्बा यहाँ, भागो यहाँ से। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये शेर वचन दे चुका है और ये अपने वचन कभी नहीं तोड़ता। तुम सब जंग की तैयारी शुरू करो, कल सुबह ही हम हमला करेंगे। वहाँ ये शेर भी नहीं होगा, फिर हमें कोई डर नहीं। सुनहरे बालों वाला वो खूंखार शेर अब नहीं रहा, हमारी जीत अब पक्की है। भैया सिम्बा को चुड़ैल ने पकड़ लिया और मैं बस देखती रही, कुछ नहीं कर पाई। राजकुमार गुप्तचरों ने सूचना दी है, चुड़ैल के जंग की तैयारी शुरू कर दी है। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। सरदार भी अब यहाँ नहीं है, आपको सेना का मनोबल बढ़ाना होगा। हमें कुछ भी करके सिम्बा को वापस लाना होगा, क्या आप मेरा साथ देंगी? राजकुमारी जी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आप बताइए क्या करना है। मुझे उस शिला के पास ले चलो, वहाँ चुड़ैल ने बलि दी है, मुझे सिम्बा को एक बार देखना है। आप मेरे साथ चलिए। आपको क्या हो गया है, आप उठ जाइए ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। राजकुमारी आप आखिर आ ही गई। आप ठीक हो गए, ये चमत्कार कैसे हो गया? आपका होना ही एक चमत्कार है राजकुमारी। आप में जीवन दान देने की काबिलियत है, इसलिए ही मैं ठीक हो गया। ये सब होना तो पहले से ही निर्धारित हो गया था। अगर आप यहाँ नहीं आती तो वो तलवार कैसे खोज पाती जिससे चुड़ैल का अंत हो सकता है। आप इस शिला के नीचे खोदना शुरू करिए, आपको एक जादुई तलवार मिल जाएगी। जल्दी करिए राजकुमारी, ये तलवार हमें राजकुमार तक जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। जंग अब तक शुरू हो चुकी होगी, जल्दी मेरी पीठ पे बैठ जाइए। दोस्तों आज जंग की घड़ी आ गई है, इस पल का आप सबने इंतजार किया है। आज हम सब मिलके इस वन को चुड़ैल से आजाद करवाएंगे। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरे साथ लड़ेंगे? क्या आप खांडव को आजाद कराएंगे? हमारे सैनिक मरते जा रहे हैं राजकुमार, इस तरह तो हम जल्दी ही हार जाएंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आप मेरे साथ आइए। राजकुमारी आप ये तलवार राजकुमार के पास पहुंचाइए, मैं इन लोगों को देखता हूँ। भैया ये तलवार लो, इससे ही चुड़ैल का अंत होगा। नन्हे बच्चे अब भी वक्त है, वापस लौट जा यहाँ, तेरा कोई काम नहीं। तुम्हारी सिर्फ जुबान ही चलती है या हाथों में भी कोई जान है? आज तेरा अंत होगा दुष्ट लड़के। हमारी जीत हुई, चुड़ैल को राजकुमार ने मार दिया है। भागो यहाँ से, महारानी मारी गई, अब जान बचा के भागो सब। आज आप दोनों ने कमाल कर दिया, इस वन को फिर से खुशहाल बना दिया। चलिए राजकुमार, आपका महल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। चुड़ैल की और भी रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।